हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन INTCPT.com। मेरा नाम पूनम गर्ग है और आज हम टैली में सीखने जा रहे हैं TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि TDS होता क्या है और आप किस लिए इसको यूज़ करते हो, इस फीचर का यूज़ क्या है टैली के अंदर। तो देखिए, TDS इट मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक ऐसा टैक्स जिसके अंदर आप पेमेंट करते टाइम टैक्स को डिडक्ट करते हो, टैक्स को काटते हो, वो आपका TDS है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप रेंट पे करते हो तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट रख दिया है, जैसे कि 1 लाख अगर आप रेंट वगैरह पे करते हो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे, तो उसकी लिमिट आपके पास आ जाती है 1,80,000, यानी कि पूरे 1 ईयर के अंदर अगर 1,80,000 से ज़्यादा का रेंट किसी को देते हो तो आपको TDS की डिडक्शन करनी पड़ती है। उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचेगा वो आप उस पार्टी को पे करोगे और जो टैक्स का अमाउंट होगा उसको आप डिपॉजिट करा देते हो बैंक वगैरह में, तो ये आपका टैक्स आता है TDS। कौन सी आपकी ऐसी पेमेंट होंगी जिसके ऊपर आपने TDS पे करना है, तो उसके लिए आपके पास आएगा रेंट, कमीशन वगैरह हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का आप अमाउंट देते हो, साथ में लॉटरी की टिकट्स वगैरह, जो लॉटरी प्राइस आप विन करते हो उसके ऊपर भी TDS कटता है। तो इस तरह से कई सारी पेमेंट आपके पास आएंगी जिस पर आपने TDS को डिडक्ट करना है, देन उसके बाद आप पेमेंट कराओगे। तो देखिए, स्टार्ट कैसे करोगे। F11 कंपनी फीचर्स पे आप जाते हो और उसके अंदर F3 यानी कि टैक्सेशन के लिए आपने आना होता है F3 स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन। इसके अंदर आपको ये दिखाता है अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस ऑप्शन को आप यस कीजिए। सेट अल्टर TDS डिटेल, इसको भी यस कराइए। टैक्स असेसमेंट नंबर यानी कि एक 10 नंबर आपको मिलता है, वो आपको डालना पड़ता है। कोई भी आपका 10 नंबर होगा आप इसके अंदर आप डाल सकते हो। जैसे 10 डिजिट का ही आपका नंबर होगा। हेड ऑफिस का टैक्स 10 नंबर क्या है वो भी आप डिपॉजिट करोगे। टैक्स सर्कल कौन सा आपका, आप देखिए यहाँ पे आपको लेना पड़ता है डिडक्टर की टाइप कौन सी है, यानी कि अदर्स में आप आते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, आपने अदर्स इसमें लेना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आप फिल करा दोगे। उसके बाद इसको सेव करते हो। अब सेव करने के बाद आते हो आप काउंटिंग वाउचर पे। इसके अंदर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने रेंट पे करना है किसी पर्सन का, तो आप वैसे पेमेंट की एंट्री करते हो आप F5 यानी कि पेमेंट के अंदर, बट अभी आपने पे नहीं कराना है, उससे पहले आप क्या करोगे, टैक्स की डिडक्शन करोगे, यानी कि सिर्फ ड्यू की एंट्री आपने पास करनी है, जिसके लिए हम आते हैं जर्नल यानी कि F7। एंट्री क्या पास करनी है आपने, हमने रेंट पे करना है 2 लाख रुपीज़, किसी भी पर्सन का हम डाल देते हैं, कोई एक ABC लिमिटेड है उसको आपने पे करना है, तब क्या एंट्री करते हो, रेंट अकाउंट अभी 2 ABC लिमिटेड, यानी कि आप जर्नल के अंदर ड्यू वाली एंट्री आप दिखाते हो। ऑल्ट प्लस सी किया मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए, इज TDS अप्लीकेबल, क्या TDS इस पर अप्लाई करना है आपने, तो यस कीजिए। ये हमारे पास कैटेगरीज दी हुई हैं, यानी कि जितनी भी आप डिडक्शन लोगे हर एक के लिए कोई ना कोई आपके पास ये कैटेगरीज मिलेगी। अब रेंट के लिए आप आर प्रेस करते हो तो आपको दिखाएगा रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर का है या प्लांट और मशीनरी का है, तो हमने इसमें लिया है लैंड और बिल्डिंग के लिए। इसका सेक्शन आपके पास आता है 194I, एंटर आप करते हो, एक्सेप्ट कराओ, जितना भी अमाउंट होगा आप वो डालते हो। अब देखिए, क्रेडिट में आपने पार्टी नेम डालना है, किस पार्टी को आप पेमेंट करा रहे हो, देन ऑल्ट प्लस सी। क्रेडिटर है आपके लिए, TDS डिडक्टेबल, यस। अब इस पर्सन की डिटेल डालते हो, पर्सन क्या है, कोई कंपनी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल पर्सन है, तो हमने इसमें डाल दिया है कंपनी है और रेसिडेंट है, देन कंट्रोल प्लस ए किया सेव कराने के लिए। अब देखिए, नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे वो आ जाएगा, ये TDS ड्यूटी लेजर यानी कि जो आपका TDS लगा है, ऑल्ट प्लस सी करके आप TDS लगाते हो, TDS ऑन रेंट। टैली के अंदर जितने भी आपके टैक्स रिलेटेड लेजर बनेंगे वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आते हैं, यानी कि ग्रुप उनके लिए होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कौन से वाला टैक्स है, ये TDS है, और कैटेगरीज फिर से आपने सेम लेनी है जो लास्ट टाइम आपने ली थी रेंट के लिए, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तो ये अपने आप डिडक्ट करेगा 20% इसने TDS डिडक्ट किया आपका, एंटर आप करते हो। डिडक्ट ना हो अगर अभी आपने डिडक्ट करना है, देन इस ऑप्शन को यस रखते हो। तो देखिए, अब टैक्स को डिडक्ट करने के बाद 160,000 आपके जो बचे हैं वो आपने इस पार्टी को पे करने हैं, एंटर करते जाइए और ये आपको दिखाता जाएगा बिल नंबर, ये है आपका, और एक बिल और इसने TDS के लिए बनाया है, TDS ऑन रेंट।
इस तरह से आप एंट्री को सेव कराते हो। अब देखिए, चेक करना है अगर आपने रिपोर्ट्स वगैरह, बैलेंस शीट में आपका इंक्रीज करके दिखाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट, ऑल्ट F1 कीजिए। ये देखिए क्रेडिटर आपके 160 और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 40,000 अमाउंट है। इसके साथ में अगर TDS की इंफॉर्मेशन आपने देखनी है, देन आप डिस्प्ले पे आते हो। डिस्प्ले के अंदर स्टैचुरी रिपोर्ट्स यानी कि टैक्स की रिपोर्ट आपने देखनी है, और ये क्या है, TDS रिपोर्ट्स। कंप्यूटेशन चेक करते हो। अब देखिए एक्सपेंसेस इसमें 2 लाख, टैक्स 40,000 इसने डिडक्ट किया, डिडक्ट कितना हो चुका है आपका 40,000। उसके बाद आप नीचे अगर पेमेंट की डिटेल चेक करते हो तो देखिए अभी तक आपने पे नहीं कराया है, यानी कि आपने टैक्स की अभी पेमेंट नहीं किया, तो इसमें नील है। और जो भी आपका बैलेंस पेबल है, कितना आपने पे करना है, तो वो आपका 40,000 शो करता है कि आपने 40,000 करंट मंथ के जो अमाउंट है अभी तक पे नहीं किया है। अब आपने पेमेंट करानी है, पेमेंट भी आप दो कराओगे, पार्टी की पेमेंट भी आपने करनी है और साथ में अपने TDS की पेमेंट भी करनी है। पार्टी पेमेंट के लिए आप सिंपल एंट्री करते हो 5 ABC लिमिटेड अमाउंट, ये शो कर देता है करंट अमाउंट कितना भी है 160,000, और कैश मिस किया पेमेंट करा सकते हो, देन सेव। अब आपने TDS का अमाउंट जो था उसको पे कराना है। अपने आप ये अमाउंट लेगा। अब देखिए इसकी पेमेंट आप बैंक यानी कि चेक के थ्रू कराते हो, ओल्ट प्लस सी करके आप कोई भी बैंक क्रिएट कर दीजिए अंडर बैंक अकाउंट। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको यस करनी होती है, यानी कि डिटेल आपको डालनी पड़ती है, जो आपका TDS आपने कब से कब तक का पे किया है। तो TDS की जो रिटर्न वगैरह आपकी जाती है वो क्वार्टरली जाती है, अगर आपने पे करना है तो आप मंथली पे करते हो। तो अब इसमें मैंने ये डाल दिया है पेमेंट कब से कब तक की है ये, तो आप कोई भी इसमें डेट डाल सकते हो, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक की मैंने करा दी है पेमेंट। चेक का नंबर डाल देना किस, यानी कि जिस चेक से आपने पेमेंट कराई, कौन से बैंक से कराई, अपने बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करानी है। अब आप चेक कीजिए बैलेंस शीट के अंदर से जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस का अमाउंट था वो आपका निल हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप टैक्स ड्यूटीज़ और टैक्सेस सारे डिपॉजिट करा चुके हो, अब सेले बैलेंस को ये निल करेगा। डिस्प्ले के अंदर स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स आप चेक करते हो, तो अब देखिए बैलेंस पेबल होगा वो आपका निल दिखाएगा, क्योंकि सारा पे आप कर चुके हो। पेड में आपके आ जाएंगे 40,000, यानी कि इतने की पेमेंट आप करा चुके हो, और बैलेंस पेबल नथिंग, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा जो आपने पे करना है अभी। तो ये आपने TDS किया। इसी तरह से आप इंटरेस्ट वगैरह पे या कमीशन वगैरह पे भी आप TDS काट सकते हो। ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू गाइज़।